दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 4 किलो 600 ग्राम चरस के साथ पंजाब के 3 युवक गिरफ्तार। जब रात को फरियादी बनकर थाने पहुंच गए सुपर कॉप दिवाकर शर्मा, 2 कर्मचारी ट्रांसफर। लाखों का खैर लेकर कहां जा रहा था माफिया, पांटा में वन विभाग के एक्शन से मचा हड़कंप। नलवाड़ी मेले में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्या काम, वजह जान लीजिए। सुजानपुर में काम की गारंटी ले रहे हैं ये नेता। अरब समाचार विस्तार से। बंजार पुलिस ने नाके के दौरान होशियारपुर के 3 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बंजार पुलिस के हेड कांस्टेबल समीर कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने फागु पुल के पास पंजाब के 3 युवकों को 4 किलो 600 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। यह चरस तीनों युवक वाहन में ले जा रहे थे। पुलिस टीम ने जब शक के आधार पर वाहन की तलाशी ली तो चरस बरामद की गई। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है और चरस को अपने कब्जे में ले लिया है। डीएसपी बंजार बिन्नी मिन्हास ने बताया कि तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रात 12 बजे एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा सादे कपड़ों में अकेले ही अपनी प्राइवेट गाड़ी से आम शिकायतकर्ता बनकर पुलिस थाना बरमाना पहुंच गए। थाने में एसपी ने आम शिकायतकर्ता की तरह अपने कार के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई व ड्यूटी कांस्टेबल से एसएचओ से मिलाने का आग्रह किया। करीब 15 मिनट बाद एसएचओ बरमाना विरोचन नेगी थाना आए और शिकायतकर्ता बने एसपी दिवाकर शर्मा से गाड़ी की पूछताछ करने लगे। पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से संतुष्ट होने पर एसपी ने अपनी पहचान जाहिर की। बाद में सभी पुलिस कर्मचारियों की एल्को सेंसर से जांच करवाई गई। जांच में सब ठीक निकले, एसपी ने थाने का रिकॉर्ड भी चेक किया और पाया कि एक महिला व एक पुरुष कांस्टेबल पिछले 6 साल से थाने में तैनात हैं। एसपी ने इन्हें थाना से ट्रांसफर करने के आदेश दिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जिला ऊना का अग्रणीय शिक्षण संस्थान रॉकफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्षेत्रवासियों को प्रदान कर रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शानदार कैंपस, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा, प्रत्येक क्लास के लिए आदर्श स्टूडेंट टीचर अनुपात, हर बच्चे पर विशेष ध्यान, शिक्षा के साथ साथ खेल, डांस, म्यूजिक, आर्ट व अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास पर ध्यान, स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरों से लैस। रॉकफोर्ड स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। संपर्क करें 9816600181। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पांवटा साहिब में वन विभाग ने माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी से लदी एक पिकअप पकड़ी है। पिकअप में खैर के करीब 57 नग पाए गए जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। विभाग ने गाड़ी और लकड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। हालांकि चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वन परिक्षेत्र माजरा के सतीवाला बेट में विभाग की टीम गश्त पर थी जिस दौरान यह कामयाबी हाथ लगी। टीम ने 6:30 बजे के करीब सूरजपुर बेट में नाका लगाया हुआ था, वहाँ पर एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। इस गाड़ी का ड्राइवर जो है हड़बड़ी में गाड़ी छोड़कर भाग गया और उसके बाद गाड़ी को चेक करने के बाद इसमें 57 नग खैर के बरामद हुए हैं और जिसमें कि 1.770 MQ लकड़ी बरामद की गई है जिसकी कीमत लगभग 2,60,000 पाई गई है। बिलासपुर में गोबिंद सागर झील के किनारे लुहणू मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह निर्णय बचत भवन में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला के प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने की। उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने नलवाड़ी मेला 2020 को यादगार बनाने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान उपायुक्त राजेश्वर गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में 17 से 23 मार्च तक नलवाड़ी मेले का आयोजन होता है। इसमें कुश्ती, हैंडबॉल और कबड्डी मुख्य आकर्षण रहते हैं। और हमने दो चीजें कही है कि ये नलवाड़ मेला बिलासपुर की ऐतिहासिक धरोहर है और पूरा साल लोग इसका इंतजार भी करते हैं और इस मेले में सभी लोग आते भी हैं, बड़ी खुशी से आते हैं। तो हमने इस बार भी रखा है कि इस मेले को और आकर्षित करने के लिए कुछ और चीज़ें हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे
हमने लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पर चॉपर की सुविधा सभी को दी थी, चॉपर लाए थे, और इस बार हम चाहते हैं कि यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स और कुछ नीचे हमारी झील अगर ये पिछले साल की तरह रही तो उसमें भी कुछ हम नया और इस मेले में भी कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब एनआरआई अस्पताल में फेको तकनीक से मोतियाबिंद के ऑपरेशन शुरू। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं जैसे बिना इंजेक्शन व चीरफाड़ के किए जाएंगे ऑपरेशन। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुलेरिया करेंगे इलाज। 30 नवंबर से अस्पताल में शुरू होगी आई ओपीडी। आंखों का होगा कंप्यूटराइज चेकअप। हर शनिवार व रविवार होंगे आंखों के मोतिया के ऑपरेशन। अस्पताल में मोतिया के साथ ही आंखों के अन्य ऑपरेशनों की भी मिलेगी सुविधा। इसके अलावा एनआर अस्पताल में गायनी, मेडिसिन, आर्थो, चाइल्ड सर्जरी व न्यूरो सर्जरी की ओपीडी, आईपीडी, 24 घंटे आपातकाल, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक ओटी, डिलक्स एसी रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर बिलासपुर के इन नंबरों पर संपर्क करें। 9816142532, 9736514253, 7807161466। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नगर परिषद सुजानपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की तैनाती के बाद सत्तासीन भाजपा सरकार के नुमाइंदों ने विकास कार्य में तेजी लाने का वादा किया है। सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने कहा कि शहर में विकास कार्य करवाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के प्रयासों से नगर परिषद के सभी वार्डों में विकास कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करवाए जाएंगे। वार्ड नंबर 8 के नाले को पक्का करवाना विशेष कार्य में शामिल किया गया है। शहर के बस स्टैंड को सही करवाना भी प्राथमिकता में है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ में सभी पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने फिर कमलेश की सहमति जताई है और मुझे उम्मीद है हमारे जो चुने पार्षद, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बने हैं, अब नए सिरे से फिर नई सुजानपुर को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। जो विकास प्रक्रिया रुकी हुई है उसको फिर नए सिरे से शुरू करके फिर सुजानपुर का विकास में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और सुजानपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वादरा, अब उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद नए आयाम स्थापित करेगी और जो भी काम रुक गए थे दोबारा पूरे नए सुर से शुरू होंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और अंत में हिमाचल का अपना वायरल वीडियो। सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो काम सरकारें नहीं कर पा रही उसे बच्चे कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। वीडियो में सरकारी स्कूल के नौनिहाल पहाड़ी बोली में सरकारी स्कूलों में दाखिले के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। बेशक इसमें शिक्षक का योगदान ज्यादा है, लेकिन बच्चों के क्या कहने। फिलहाल पूरे हिमाचल में यह वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। किस्मत मुनु मुनि तेरी न करा, आप भी कुछ ऐसा हमसे सीधा शेयर कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। मिलते हैं शाम 6 बजे राजधानी शिमला की कुछ प्रमुख घटनाओं के साथ। हेलो शिमला में जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।